are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. आज हम अपने किचन में ये मिल्क पाउडर से बने हुए पेड़े बनाने जा रहे हैं. बहुत ही आसान और बहुत ही यमी रेसिपी है. बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये मावा के हैं या मिल्क पाउडर के हैं. मस्ट ट्राई रेसिपी है. तो चलिए बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी. मिल्क पाउडर पेड़ा बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी. ये हमें 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप चीनी चाहिए हमें और 1/2 कप पानी की जरूरत पड़ेगी. ये सैफ्रॉन को हमें 2 टेबलस्पून दूध में भिगोकर रखा है और साथ में हमें पिस्ता चाहिए होंगे कुछ. गैस को ऑन किया है हमने और कढ़ाई रखी है. अभी पहले सबसे पहले चाशनी बनाएंगे हम. 1/2 कप पानी में 1/2 कप चीनी डालेंगे और इस दोनों का नाप एक ही होना चाहिए. मिल्क पाउडर, चीनी और पानी का मेजरमेंट का कप एक ही होना चाहिए आपका. ये हमारी चाशनी अभी थोड़ी गाढ़ी हो गई है. अभी हम इसको चेक करते हैं क्योंकि हमें एक तरह की चाशनी नहीं बनानी. उससे पहले ही हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है. तो अभी हम चेक करते हैं हाथ में लेकर. ये देखिए हल्का हल्का ये चिपकना शुरू हो गया है. हमें इतना ही चाहिए अपनी चाशनी और एक तरह की चाशनी नहीं हमें बनानी. तो अभी हम इस स्टेज पर धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे. एकदम से पूरा ऐड नहीं करना, धीरे धीरे करके हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करते जाना. गैस हमने स्लो पे रखी है. एकदम इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर इसमें ऐड करते जाना है. अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का आ जाएगा हमारा मिल्क पाउडर. और अभी थोड़ा घी ऐड करेंगे ताकि चिपके नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है घी डालने से. साथ ही में हमने सैफ्रॉन जो मिक्स किया है दूध वो भी डाल देंगे. मिक्स करेंगे सभी चीजें. मिक्स करके कंटिन्यूअसली इसको हिलाते जाना है जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देता तब तक हमें इसको पकाना है. ये देखिए बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा. इसमें बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती. इसमें हमने ना मावा यूज किया है ना घी का ज्यादा यूज किया. कुछ छोड़ देगा जैसे जैसे गाढ़ा होगा. और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो. बहुत ही यमी मिठाई बनती है. मस्ट ट्राई रेसिपी है. आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए और रक्षाबंधन के त्योहार पर इसे जरूर बनाइए और सबको इम्प्रेस कीजिए. ये देखिए ये अभी धीरे धीरे कढ़ाई छोड़नी शुरू हो गया है. इकट्ठा हो गया है बिल्कुल. अभी हम गैस को ऑफ करते हैं और इसको हल्का
ठंडा करेंगे किसी दूसरे बर्तन में डालकर। इस तरीके से हमें राउंड करके थोड़ा सा फ्लैट करना है और हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और पेड़े की शेप लेकर रखते जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस करके और पेड़े की शेप दे देंगे। इस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। हमारा मिल्क पाउडर से पेड़े बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं, बहुत ही यमी बने हैं और बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि ये मावा के हैं या मिल्क पाउडर के हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएंगे और इस रक्षाबंधन में आप इसे जरूर बनाइए घर पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय बाय।